नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं दुनिया के चौंकाने वाले और अनसुलझे रहस्यों के बारे में। रामेश्वरम के तैरते पत्थरों का रहस्य। हिंदू पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण से बचाने के लिए श्रीलंका पहुंचने के लिए एक फ्लोटिंग पुल का निर्माण करवाया था। यह फ्लोटिंग ब्रिज राम सेतु या एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह पुल पूरी तरह से फ्लोटिंग पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र के आसपास मौजूद सभी पत्थरों में कुछ पत्थर सामान्य स्थिति में हैं, लेकिन जब इन्हें पानी में डालते हैं तो यह तैरते हैं। इसका बहुत ही वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जा चुका है, लेकिन वैज्ञानिक इसके पीछे के रहस्य को अभी तक सबके सामने नहीं ला पा सके। तमिलनाडु का बैलेंसिंग चट्टान। बैलेंसिंग रॉक यानी बैलेंसिंग चट्टान तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की तीव्र ढलान पर एक पत्थर रखा हुआ है, जिसे देखने पर यह लगता है कि यह पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। इस चट्टान के 20 फुट ऊपर होने का अनुमान है। यहाँ के लोगों का यह मानना है कि यह भगवान श्री कृष्ण का माखन का मटका था जो आसमान से गिरा है। यह देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पर्यटक यह देखकर आश्चर्यचकित हैं कि यह चट्टान इतने तीव्र ढलान पर स्थिर कैसे रह सकती है। 1908 में अंग्रेजी सरकार ने इसे हटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनकी यह कोशिश काम नहीं आई। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा, जिसने महाभारत पढ़ी या देखी होगी उन्हें अश्वत्थामा के बारे में बिल्कुल पता होगा। अश्वत्थामा कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। इनकी एक गलती के कारण भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें श्राप दे दिया कि दुनिया के अंत होने तक इनकी आत्मा भटकती रहेगी। आज भी माना जाता है कि अश्वत्थामा की आत्मा भटक रही है। हालांकि इसका कोई प्रमाणित सच नहीं मिलता, फिर भी कई लोगों द्वारा कई जगह पर अश्वत्थामा के देखे जाने का दावा किया गया है। ऐसा ही मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है, जिसके अंदर भगवान शिव का मंदिर है। वहां पर अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया गया है। वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा यहां पर आज भी भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि किले के अंदर एक तालाब भी स्थित है, जहां पर अश्वत्थामा पूजा करने से पहले नहाते हैं। वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि जिसने भी अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। केवल यही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गोरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने का दावा लोगों के द्वारा किया गया है। वहां के स्थानीय लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा अपने सिर पर लगे घाव से निकलने वाले खून को बंद करने के लिए हल्दी और तेल यहां के लोगों से मांगते हैं। हालांकि उनके बात में कितनी सच्चाई है उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अश्वत्थामा के भटकने की कहानी आज भी रहस्यमय बन के रह गया है। राजस्थान का भानगढ़ किला। यदि आपने अपने दिमाग से भूत प्रेत और आत्माओं के विचारों को हटा दिया है तो आपको भानगढ़ फोर्ट सोचने को मजबूर कर देगा। यह राजस्थान के अलवर में स्थित है। यहाँ के लोगों और पर्यटकों द्वारा यह भी बताया गया है कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध घटनाएं हुई हैं। यह किला सुंदर वास्तुकला, हवेली, मंदिर, खंडहर, उद्यान से सज्जित है। यह लोगों के लिए देखने के लिए भी खुला है और कई पर्यटकों ने यह भी स्वीकारा है कि उन्हें आत्माओं की आहट सुनने को मिली है। यह भी यहाँ पर माना गया है कि जो भी रात में वहाँ गया है वो कभी वापस नहीं आया है। इसे लोग किले का रहस्य मान रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ पर एक चेतावनी का बोर्ड भी लगाया है, जिस पर लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में जाने पर प्रतिबंध है। द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518। स्ट्रासबर्ग शहर में 1518 में गर्मियों के दिनों में एक महिला ने सड़क पर भयानक तरीके से नाचना शुरू कर दिया और रुकने का नाम ही नहीं लिया। कब दिन से रात हो जाती और कब रात से दिन, लेकिन महिला नाचती ही रहती। इस महिला के साथ एक सप्ताह में 34 अन्य महिलाओं ने भी नाचना शुरू कर दिया। यह संख्या एक महीने में 400 तक पहुंच गई, लेकिन महिलाएं नहीं रुकी। इन महिलाओं को देखकर यही लगता था कि इनमें किसी आत्माओं ने वास कर लिया है। नाचने का न ही कोई मौका था और न ही कोई वजह। महिलाओं की नाचते नाचते हालत खराब होने लगी। कई महिलाओं की तो मौत भी हो चुकी थी।
इन्हें रोकने के लिए धार्मिक पुरोहितों को बुलाया गया और साथ में स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को भी बुलाया गया। इस घटना पर सभी लोगों का अलग अलग मानना है। कोई कहता है कि यह एपिलेप्सी है तो कोई इसे मानसिक रोगी कहने लगा। इसके पीछे कई वजह और कारण बताए गए लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। समुद्र के नीचे द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय बिताए थे, वह थी द्वारिका जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। द्वारकापुरी का अपना एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है लेकिन इससे भी ज्यादा यह एक रहस्य से भरा हुआ है। आज भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं लेकिन आज जो मंदिर द्वारका में स्थित है वह असल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई द्वारका नहीं है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारका उनके मृत्यु के बाद समुद्र में विलीन हो गई। आज भी वैज्ञानिक इस मंदिर को महाभारत कालीन निर्माण नहीं मानते हैं। उनका भी यही मानना है कि श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारका समुद्र में डूब गई होगी और शायद उसका अवशेष आज भी मौजूद होगा। इसी वजह से काफी शोधकर्ताओं ने पुराणों में वर्णित द्वारका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया। इन्होंने इन तथ्यों के आधार पर वर्ष 2005 में एक अभियान शुरू किया जिसमें भारत के नौसेना की मदद से समुद्र के गहराई में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाए गए द्वारिका के अवशेष का खोज शुरू हुआ। हालांकि समुद्र के गहराई में जाने के बाद कुछ छठे कटे पत्थर, लगभग 200 अन्य प्रकार के नमूने मिले लेकिन इससे यह तय नहीं हो पाया कि यह वही नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी यहाँ पर कई स्कूबा डाइविंग द्वारिका के रहस्य का पता लगाने के लिए समुद्र की गहराई में जाते रहते हैं। आज भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई असल द्वारिका लोगों के लिए एक रहस्य ही बनकर रह गया है। नाजका लाइंस, नाजका रेगिस्तान, दक्षिणी पेरू। पेरू में स्थित इस रेगिस्तान में कुछ इस तरह की आकृतियां बनी हुई है जो चौंकाने वाली है। यह मनुष्यों, पौधों और जानवरों की लगती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सीधी रेखाएं भी देखने को मिली है। माना जाता है कि ये रेखाएं 200 ईसा पूर्व से इसी तरह मौजूद हैं। ये लाइनें करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें और साफ साफ देखा जा सकता है। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है यहाँ दूसरे ग्रह से आई UFO उतरे थे जिसके चलते सतह पर इतनी संरचनाएं बनी थी।